बाल बना लिए, कपड़े पहन लिए, सेक्सी लग रहे हो। आज की सनसनीखेज खबर में चैन से सोना है तो जाग जाइए। हे गाइस, कैसे हो आप सब? आप सभी लोगों का स्वागत है डीप लाइफ कस्टम्स के एक नए एपिसोड में। आज हमारे पास स्टूडियो में एक लंबा चौड़ा बड़ा दैट्स व्हाट शी सेड चाकू है। रोल द रंगीन इंट्रो प्लीज। तो आज हमारे पास ये चक्कू है। चक्कू, और ऐसा चक्कू आपके घर पे भी होगा। ये वैसे तो सब्जी काटने के काम आता है, सेल्फ डिफेंस के टाइम भी काम आएगा, आप तभी यूज मत करना, किसी को लग जाएगी। बेसिकली इस चक्कू के लिए हम लोग शीत बनाने वाले हैं आज के वीडियो में। मतलब इस शहजादे के लिए हम लोग एक शेरवानी सिलने वाले हैं, चमचमाती हुई शेरवानी। तो उस शेरवानी को विलायती भाषा में शीत कहा जाता है। शीत, शीत। वैसे तो जब भी शादियां होती है और आप शेरवानी या सूट सिलवाने जाओगे तभी आपका बहुत बड़ा कटेगा। आप ये मत बताना कि कभी शादी के लिए ले रहे हो, क्योंकि नहीं तो वो लोग कहेंगे शादी तो एक बार ही होती है जिंदगी में। कुछ कुछ लोगों की होती है बहुत बार। कभी कभी मैं ऐसे टॉपिक से यहाँ वहां निकल लेता हूँ। तो ये जो शीत है हम लोग बनाने वाले हैं लेदर से। तो आई नो, मतलब कोई कोई लोगों को गुस्सा आता है लेदर की चीजों के बारे में बात की गई तो। मैंने बहुत सारा फेक लेदर भी मंगाया है, वो अच्छा होता है। वैसे एनवायरमेंटली इम्पैक्ट देखे तो नॉर्मल लेदर और फेक लेदर का इम्पैक्ट सिमिलर ही है, क्योंकि वो प्लास्टिक से बनता है जो फेक लेदर है। दैट इज हाउ द इकोनॉमी वर्क्स, दैट इज हाउ द होल वर्ल्ड वर्क्स। आई नो आपको थोड़ा बुरा लगेगा, दिल में दुख होगा, पर ये दुनिया ऐसी ही है मिलॉर्ड। तो ये हमारा कस्टम थोड़ा सा फास्ट जाएगा, थोड़ा राजा महाराजा वाला ट्विस्ट देना चाहता हूँ, थोड़ा काउबॉय वाला ट्विस्ट देना चाहता हूँ, मतलब इंडियन और वेस्टर्न तड़का देना चाहता हूँ, और उसको कंबाइन करके हम लोग एक मस्त सा कस्टम बनाएंगे। तो और वक्त जाया ना करते हुए जाते हैं मेरे ड्राइंग टेबल पे और शुरू करते हैं इस कार्यक्रम को। जब भी हम लोग कैंपिंग पे जाते हैं तभी हम लोग को नाइफ लगती है, हाइकिंग पे जाते हैं तभी नाइफ होना जरूरी है। बड़ा सा फेक लेदर परचेस किया है, ये अमेजोन से ही परचेस किया है। यू कैन सी, ये बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाने को आपको काम आएगा, ये फेक लेदर है। पर इस वीडियो में मैं ये लेदर इस्तेमाल नहीं करने वाला, मेरे पास ऑलरेडी पुराना रियल लेदर पड़ा था। इस वीडियो के लिए ये यूज करता हूँ क्योंकि ये थोड़ा स्ट्रांग है और इससे शीत थोड़ी मजबूत बनेगी। मैंने इससे भी एक शीत बनाई है पर वो मैं आपको वीडियो के एंड में दिखाऊंगा। सबसे पहले क्या करना है, नाइफ को ट्रेस कर लेना है। ये मैं बाजू में रख देता हूँ। और आपको पेपर पे नाइफ को ट्रेस करना है क्योंकि पेपर सस्ता होता है। एक नाइफ के बॉडी का पोर्शन और एक उसको कवर करे ऐसा, तो नाइफ ऐसे अंदर फिट हो जाती है इन दोनों चीजों के। तो ये जो पैटर्न मैंने बनाया है कुछ ऐसा ही पैटर्न, ये एग्जैक्ट पैटर्न नहीं पर कुछ ऐसा ही पैटर्न मैं इधर ट्रेस करके लूंगा और बाद में मैं कट कर लूंगा। ट्रेस भी कर लिया है, कट भी कर लिया है। आप देख सकते हो नाइफ अच्छे से अंदर बैठ रही है। ऊपर वाला पीस भी मैंने तैयार कर लिया है, बहुत सुंदर लग रही है। अभी आप सोच रहे रहेंगे ये हम लोग ज्वाइन कैसे करेंगे, तो हम लोग को सीना पड़ेगा सुई और धागे से। पर लेदर में आसानी से होल नहीं होते, लेदर कपड़े जितना फाइन नहीं होता, इसलिए हम लोग को होल्स कर लेने पड़ेंगे। इसमें इतने सारे मैंने होल्स किए हैं, इसे टोचा कहते हैं। इससे भी आप होल्स कर सकते हो, मेरी तरह परफेक्ट होल्स करने हैं तो आपको ये डिवाइस लगेगा। बाद में बटन भी फिक्स करने वाले हैं, मेरे पास एक मैग्नेटिक बटन है जो मैं ये यहाँ पर फिक्स करने वाला हूँ पीछे के साइड कुछ इस तरह से, ऐसे 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 यू हैव टू डू, एंड जिससे आसानी से एक होल हो जाता है। काला धागा इस्तेमाल करूंगा, ये धागा बहुत स्ट्रांग है तो ये टूटता नहीं है। पता नहीं कौन सा धागा है पर ये बहुत मजबूत धागा मुझे मिला है। सो स्टिचिंग पे से मैं फिर एक बार गया उन्हीं होल्स में से वापस, और मैं ये बटन लगा रहा हूँ। तो ये मैग्नेटिक बटन आपको आसानी से किसी भी आर्ट शॉप में मिल जाएंगे, प्लग होता है और ये आसानी से मतलब डायरेक्टली घुस गया मैंने थोड़ा जोर लगाया तो। और ये सारी चीज हो रही है पीछे, वो छुपाने के लिए मैं किसी अच्छी पट्टी से लगा दूंगा, एरल्डाइट या फेविकॉल यूज करूंगा। सो थोड़ा एरल्डाइट इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं। ये दोनों मिक्सचर हमें मिक्स करने पड़ते हैं, एक अच्छी पेस्ट बनानी पड़ती है और फिर अप्लाई करनी पड़ती है। दिस इज एपॉक्सी, तो रेजिन होता है, हार्डनर होता है, सेम ओल्ड स्टोरी। फील द कंसिस्टेंसी देख के। अभी हमारी शीत कुछ ऐसे लग रही है। इसके बैक साइड भी मैंने टका मार दिया है क्योंकि जस्ट अच्छा दिखने के लिए। जो नई लाइन देख सकते हो, तो मैंने ये पीछे का पोर्शन है एरल्डाइट से तो चिपकाया ही, पर यहाँ पर भी टका मारा, टका यहाँ पर भी मारा, और बाद में फाइनली यहाँ सैंड किया। आप देख सकते हो
सैंड करने से क्या हुआ, अंदर इसके लेदर के अंदर, ये लेदर थोड़ा पुराना था तो इस लेदर के अंदर ऑलरेडी कुछ इंक या कुछ थी। सैंड करने के बाद वो बाहर निकला है। मैं इसके ऊपर से एक बार पेंट से जाऊंगा तो शायद वो छुप जाएगा। इसके अंदर नाइफ परफेक्टली फिट हो रही है एंड इवन जो पीछे का बटन है काफी अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है। यू कैन सी स्नैप हो गया। और ये झालर से एक बहुत ही कूल इफेक्ट आ रहा है। झालर ऐड करने की आइडिया रियली वर्क्ड। फ्रंट साइड तो मुझे लगता है काफी अच्छे से कवर हो गई है, काफी रियलिस्टिक और प्राचीन लग रही है। पीछे के साइड अभी करते हैं, देख सकते हो पीछे के साइड कैसी फ्रेश थी। और हम लोग ने ये करके उसे थोड़ा कैरेक्टर दिया, थोड़ी डेप्थ दी। तो अभी काफी कूल लग रहा है, पर अभी हम लोग इसकी थोड़ी मालिश करेंगे। तेल मालिश नहीं करने वाले, हम लोग वैक्स मालिश करेंगे, क्योंकि तेल मालिश करने से शहजादे पे फंगस आ जाता है। तो इसकी मालिश हम लोग करेंगे वैक्स पूल से। ये थोड़ा सिंथेटिक होता है, मुझे लगता है इससे फंगस नहीं आएगा, चमक जरूर आ जाएगी। सॉरी गाइज, आज थोड़े लेम पंच मार रहा हूँ, काइपन आए हाय हाय। तो निकल गया है हमारा वैक्स पूल मालिश, वैक्स मालिश। वैसे ये करने के बाद एक हल्की सी शाइन आ गई है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आया, पर जो लेदर होता है वो स्किन की तरह होता है। इट एब्जॉर्ब्स ऑल द ऑयल्स, इट एब्जॉर्ब्स ऑल द वैक्स, और उससे उसकी लाइफ थोड़ी बढ़ जाएगी। मैंने एक दूसरी शीट भी बनाई थी फेक लेदर से, पर वो फेक लेदर थोड़ा फ्लिमजी था, वो इतना ज्यादा थिक नहीं था, तो मजा नहीं आया। मतलब आप देख सकते हो इट वर्क्स एब्सोल्युटली फाइन, बट इट डज नॉट हैव दैट स्ट्रेंथ। बेल्ट पे साइडवेज माउंट कर सकते हो, मतलब ऐसी रहेगी, पर ये जो है ये वर्टिकल शीट है, सो वर्टिकली रहेगा। वर्टिकली, वर्टिकली मतलब खड़ा। थोड़ा काउबॉय का ट्विस्ट दिया है मैंने ये झालर बना के। तो काउबॉय होते हैं, मतलब काउ इज गाय और बॉय मतलब क्या, शिशु, गाय शिशु। जो गाय शिशु होते हैं उनके कपड़ों पे ऐसी एक झालर होती है, तो वो वाला ट्विस्ट मैंने ऐड किया है। बाद में राजा महाराजा ऐसे लेदर की बनी हुई चीजें इस्तेमाल करते थे, तो वो वाला ट्विस्ट मैंने ऐड किया है। तो बहुत सारी ट्विस्टिंग टर्निंग हो रही है इसमें। वैक्स पॉल किया है, उसकी सुगंध आ रही है एकदम महंगे नशे की तरह। नशीला नशीला लेदर और वैक्स पॉल का जो कंबाइंड फ्रेग्रेंस आ रहा है, बहुत ही प्रीमियम स्मेल भी कर रहा है। ये तो मैंने रियल लेदर से बनाया है, पर जो इतना सारा मैंने फेक लेदर परचेज किया है उससे भी मैं कुछ बनाने को ट्राई करूंगा। मतलब मैंने नहीं सोचा था कि ये इतनी बड़ी शीट आ जाएगी। शक्ति शक्ति शक्तिमान, आपने देखा रहेगा वो मैन वर्सेस वाइल्ड वाला जो बेयर ग्रिल्स है उसके पास एक नाइफ हमेशा रहती है। तो जब भी आप हाइकिंग को जाते हो बहुत बार लगती है, मुझे भी पता है, कि छोटी छोटी ब्रांचेस तोड़ने के लिए या कोई कीड़ा या सांप छील के खाने के लिए आपको नाइफ की जरूरत पड़ती है। कोई भी नाइफ के साइज के लिए वैसे कस्टम बना सकते हो। तो यस, इट इज ऑलवेज ग्रेट टू एक्सपेरिमेंट विद न्यू मटेरियल्स। अभी वीडियो का आउट्रो भी देख ही लेना। थैंक यू फैमिली।